नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल रोपन जी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि दोस्तों आज के दिन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, जहां हमें मैंगलोर केमिकल्स में 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है, मद्रास में ऑलमोस्ट 5% की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, RCF में 4% से ज्यादा की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स में भी लगा हुआ है 5% का अपर सर्किट, एंड लास्ट नंबर का जो स्टॉक आता है वो है खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसमें भी आज के दिन हमें ऑलमोस्ट 5% की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। दोस्तों आज की वीडियो में ये पांचों स्टॉक्स के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि क्या न्यूज है और हम ये पांचों स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, किस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, किस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए और किस स्टॉक में न्यू एंट्री ले सकते हैं, इस बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में जानेंगे, जिसमें आज के दिन 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है, और उसके बाद में मद्रास, RCF, नागार्जुन और खेतान, ये चारों स्टॉक के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले और ये केमिकल्स के सभी स्टॉक के बारे में जानने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और ऐसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की न्यूज और स्टॉक्स की एनालिसिस करके मैं आपके लिए लेके आता रहूं। और साथ ही दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड सभी न्यूज हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करें न्यूज की, तो इंडिविजुअली सभी स्टॉक में किसी भी प्रकार की कोई न्यूज देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये सभी स्टॉक में जो एक अपट्रेंड देखने को मिला है और इतनी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, उसका एक रीजन ये हो सकता है कि आज के दिन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में ही हमें काफी अच्छा पॉजिटिव अपट्रेंड देखने को मिला है, जिसका इम्पैक्ट हमें ये सभी स्टॉक में देखने को मिला हो। अब हम एक एक स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे मैंगलोर केमिकल्स स्टॉक के बारे में, जिसमें आज के दिन हमें काफी अच्छा अपट्रेंड देखने को मिला है और आज के दिन काफी अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिला है। दोस्तों वीकली पर इस स्टॉक ने अपने 100 EMA से एक रिवर्सल दिखाया है, जहां इससे पहले भी कई बार रिवर्सल दिखाया था अपने 100 EMA से। आप देख सकते हैं कि 2021 दिसंबर में और 2022 मार्च में भी इसने अपने 100 EMA से रिवर्सल दिखाया था, तो इसने फिर से अपने 100 EMA से रिवर्सल दिखाया है। और डेली पर आज के दिन इस स्टॉक ने अपने 105 की प्राइस पर एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया है और ऊपर की तरफ 128 और 129 की प्राइस पर इस स्टॉक में एक रेसिस्टेंस है। इसलिए अगर आप न्यू एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी तो आप न्यू एंट्री लेने के बारे में ना सोचे। अगर ये स्टॉक 128 और 129 के ऊपर सस्टेन होता है और क्लोजिंग देता है, तब दोस्तों आप इस स्टॉक में एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि तब इस स्टॉक में वीकली पर और मंथली पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी आप इस स्टॉक में एंट्री लेने के बारे में ना सोचे, और ऑलरेडी आपने इस स्टॉक में एंट्री ली हुई है तो दोस्तों आप अभी के लिए इस स्टॉक में अपना 20 या फिर 30% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये 122 और 123 की प्राइस से रिवर्सल ले, नीचे की तरफ छोटा सा डाउन ट्रेंड दिखाए और कंसोलिडेट हो, और ये भी हो सकता है कि हमें इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिले। अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो दोस्तों हमें इस स्टॉक में 150 और 170 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सेफ साइड के लिए आप अपना 20 या फिर 30% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की, जो है मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसकी प्राइस चल रही है 51.95 और इस स्टॉक में आज के दिन 4.5% से ज्यादा की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। दोस्तों मद्रास फर्टिलाइजर्स में जो ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस है वो है 54.60 का, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 41.50 का। दोस्तों इस स्टॉक में आप न्यू एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस स्टॉक में भी छोटी छोटी प्राइस पर रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जैसे कि 61 की प्राइस पर, 54-55 की प्राइस पर, तो आप इस स्टॉक को अभी के लिए अवॉइड कीजिए। अगर ये स्टॉक 61 के ऊपर जाता है, वीकली पर क्लोजिंग देता है, तब आप एक बार के लिए मिनिमम क्वांटिटी में एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर अगर ये स्टॉक 45 और 44 आता है तो आप स्मॉल SL के साथ, 41 के SL के साथ न्यू एंट्री ले सकते हैं, बट अभी के लिए आप वेट कीजिए, जल्दीबाजी में किसी भी स्टॉक में एंट्री ना ले। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की, जो है RCF, जिसकी प्राइस चल रही है 96.95 और इस स्टॉक ने आज के दिन 4% से ज्यादा की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। दोस्तों RCF के स्टॉक में भी छोटी छोटी प्राइस पर रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जैसे कि 98,
104 और 113 114। तो दोस्तों आप इस टाइम पर इस स्टॉक में अगर एंट्री लेते हैं तो दोस्तों आपको इतना अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म में आपको इतना ज्यादा टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। अगर ये ब्रेकआउट देता है 104 का और 113 का तो दोस्तों हमें आरसीएफ के स्टॉक में ऊपर की तरफ 130 और 150 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब तक ये 113 ब्रेक नहीं करेगा तब तक दोस्तों हमें इस स्टॉक में ऊपर की तरफ एक बड़ा अपट्रेंड शायद ही देखने को मिले। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इस स्टॉक को होल्ड किया हुआ है तो दोस्तों आप 80 रुपए का एसएल मेंटेन करके इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की, जो है नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, जिसमें लगा हुआ है 5% का अपर सर्किट, ऑलमोस्ट 5% का अपर सर्किट। जिस स्टॉक में कंटिन्यू हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था, 20 रुपए की प्राइस से हमें इस स्टॉक में 9 रुपए तक के टारगेट देखने को मिले एंड फाइनली आज के दिन इस स्टॉक में एक अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो दोस्तों आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं और आपको जो एसएल मेंटेन करके चलना होगा वो चलना होगा 7 रुपए का, जैसा कि ये पैनी स्टॉक है। और मैं एवरी वीडियो में यही कहता हूं कि पैनी स्टॉक में आप ज्यादा रिस्क ना ले, ज्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट ना करें। आप उतने ही अमाउंट का इन्वेस्ट करें जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितने अमाउंट का आप रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, तो आप मिनिमम 20,000 या 30,000 ही पैनी स्टॉक में डालें, या फिर मैक्सिमम 50,000 तक आप पैनी स्टॉक में डाल सकते हैं। आपकी चॉइस है, मेरी आपको किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं है। अगर आप नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों आपको 7 रुपीज का एसएल मेंटेन करके चलना है, जहां से इसने ऑलरेडी 2021 नवंबर में भी एक रिवर्सल दिखाया था और 9 रुपए से हमें इस स्टॉक में 20 रुपए तक के टारगेट देखने को मिले थे, काफी अच्छे टारगेट देखने को मिले थे। तो आपको जो एसएल मेंटेन करके चलना है वो चलना है 7 रुपए का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की, जो है खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसकी प्राइस चल रही है 116 और इस स्टॉक ने आज के दिन ऑलमोस्ट 5% की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। दोस्तों खेतान केमिकल्स स्टॉक में भी आज के दिन हमें काफी अच्छा अपट्रेंड तो देखने को मिला ही है और स्टॉक आज आ चुका है अपने एक रेसिस्टेंस के पास। अगर ये 118 के ऊपर जाता है और क्लोजिंग देता है तो दोस्तों हमें इस स्टॉक में आराम से 129 और 128 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 130 की प्राइस पर फिर से इस स्टॉक में एक रेसिस्टेंस है और जो बड़ा रेसिस्टेंस है वो है 157 158 की प्राइस पर। दोस्तों ये सभी स्टॉक में कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट देखकर खेतान केमिकल्स मुझे सही लग रहा है, तो आप इस स्टॉक को 90 का एसएल मेंटेन करके होल्ड करके चल सकते हैं। और जैसे ये स्टॉक 117 और 118 ब्रेक करेगा उसके बाद में हमें इस स्टॉक में ऊपर की तरफ काफी अच्छे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन इतना ज्यादा तो वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है, इसलिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं और न्यू एंट्री आप 118 और 119 की प्राइस के ऊपर ही ले। और आपको जो एसएल मेंटेन करके चलना होगा वो चलना होगा 90 का। विदाउट एसएल किसी भी स्टॉक में एंट्री ना ले, कंपलसरी एवरी स्टॉक में अपना रिस्क देखने के बाद ही एंट्री ले। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।